लास्ट लैक्चर ते इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग जीएसटी कीता सी। अज आपां जीएसटी दे संबंधित जनरल एंट्रीज करांगे और उन्होंने सैट ऑफ किवें करना है वो करांगे। सब तो पहला असी डिस्कस करांगे रेट्स ऑफ जीएसटी। स्टूडेंट्स 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, अलग अलग गुड्स ते अलग अलग रेट लगाए गए हैं। जी एस टी पेड रिवर्स इन फॉर्मिंग केसिस। स्टूडेंट्स कुछ एहोजे केसिज ने जिन्हों के जोड़ा जी एस टी है वह रिवर्स होता है, जिदा परचेज रिटर्न जो असी गुड्स वापस करते हैं, गुड्स टेकन बाई द ओनर जो मालक घर की वरतों वास्ते गुड्स लैके जाता है, लॉस बाई थैफ्ट जेकर गुड्स का कोई लॉस हो गया चोरी हो गई, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटिड एज फ्री सैंपल जदों गुड्स नू एज ए फ्री सैंपल एडवरटाइजमेंट तौर पर वंडिया जाता है उदों भी जी एस टी उन्होंने रिवर्स किया जाता है, एंड गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी जो असी गुड्स दान विच देंदे हां तां उदों भी इहनू रिवर्स किया जाता है। रिवर्स किदां किया जाता है जो आप जनरल एंट्रीज करांगे तो ज़्यादा कंसैप्ट क्लीयर होएगा। स्टूडेंट्स नैक्सट फॉर्मिंग गुड्स एंड सर्विसिज आर एक्सेप्टिड फ्रॉम जी एस टी। कुछ कु केसा दे विच जिहड़ियां ने जी एस टी नहीं लगता, जिमें पेमेंट ऑफ वेजिज एंड सैलरी, जो असी वेजिज से सैलरी की पेमेंट करते हैं तो उदो जी एस टी नहीं लगता। इलैक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स ये सर्विसिज ने, इस मामले में भी जी एस टी नहीं लगया जाता। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस के मामले में भी जी एस टी नहीं लगया जाता। ट्रैवलिंग एक्सपेंसिज के भी जी एस टी नहीं लगया जाता। जनरल एंट्री करन तो पहला असी इन्हां बारे चंगी तरह नाल जानना जरूरी है कि किहड़े केस दे विच जी एस टी लगाया जाता है और किहड़े केस दे विच जी एस टी नूं रिवर्स किया जाता है। इस तों बाद स्टूडेंट्स पढ़ना जरूरी है टाइप्स ऑफ टैक्सिस अंडर जी एस टी। स्टूडेंट्स जी एस टी दीआं टाइप्स दे विच सब तों पहला सी जी एस टी, इसका नाम है सेंटर गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स। एस जी एस टी दी फुल फॉर्म इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स। हुण कई तुसी स्टूडेंट सोचते हो गए जेकर कोई यूटी आ जाए तो एस नाल तो स्टेट हो गया, सपोज पंजाब दा जां हरियाणे दा जां राजस्थान दा तो उहदे ते स्टेट लगेगा, जे चंडीगढ़ आ जाए तो फिर की लगेगा, चंडीगढ़ ते स्टूडेंट्स असीं फिर लिखांगे यूटी, यूटी यानी कि यूटी है साडी यूटी गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स। एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स जिन्हों असी कहने आई जी एस टी। इनू अगे डिटेल से जो जनरल एंट्रीज करांगे तो स्टूडेंट्स तुहानू ज़्यादा कंसैप्ट क्लीयर होगा। आओ आपां कुछ कु जनरल एंट्रीज करते हैं जिंदे नाल इस कंसैप्ट नू ज़्यादा वधिया तरीके नाल क्लीयर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ने लिखा है पास दी जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी अज्यूमिंग दैट All transactions have been entered within the state of Punjab. Assuming CGST at the rate of 6% and SGST at the rate of 6%. Students, ये उन statement दे कह रही है कि जड़ियाँ goods ने वो within Punjab, Punjab दे अंदर ही बेचियाँ जा रही हैं ने। Students, जदों goods state दे अंदर बेचियाँ जा असी उन्हों कहने इंट्रा सेल्स ट्रांजैक्शंस, और जेकर एक स्टेट दूजे स्टेट में गुड सेल कर रही है तो असी उन्हों कहने इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। इत्थे कहा गया है कि गुड्स विद इन पंजाब, पंजाब दे विच ही वेचिया जा रही हैं। जदों एक स्टेट दूजी स्टेट में गुड्स बेचती है तो उत्थे की इंप्लीमेंट होंगे आई जी एस टी, और जदों विद इन स्टेट विच सेल कीतियां जांदियां ने उदो कि असी लैके चलने सी जी एस टी एंड एस जी एस टी। हुण मैं फस्ट एंट्री कर जा रहा तो ज़्यादा क्लीयर होएगा। सब तो पहला असं ये लिखांगे 2018 बर्ड गुड्स फ्रॉम आकाश फॉर रुपीज 2 लैख, तो असं एंट्री करांगे परचेजिज अकाउंट डेबिट, परचेजिज अकाउंट डेबिट इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू, ठीक है तो खरीदिया ने जी आकाश को, तो वी विल राइट
ਟੂ ਆਕਾਸ਼ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਸ ਫਰੋਮ ਆਕਾਸ਼ ਐਂਟਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਡਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਨਪੁੱਟ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਇਨਪੁੱਟ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਸੇਲਸ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਡਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸੈਲਰ ਹੈ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਿਦ ਇਨ ਸਟੇਟ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਵਿਦ ਇਨ ਸਟੇਟ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਇਨਪੁੱਟ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਸਪੋਜ਼ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਡ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਆਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੁਡਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ 2 ਲੱਖ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ 6% 6% ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਔਰ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤਾਂ 2 ਆਕਾਸ਼ ਟੋਟਲ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2,24,000 ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਸੋਲਡ ਗੁਡਸ ਟੂ ਬਿਮਲਾ ਫਾਰ ਰੁਪੀਜ਼ 3 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨ 2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੈਨ 6 ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਡ ਗੁਡਸ ਟੂ ਬਿਮਲਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਧਾਰ ਵੇਚੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਬਿਮਲਾ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੇਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਟੂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਔਰ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗੁਡਸ ਸੋਲਡ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਡਸ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਪੁੱਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਡਸ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਡਸ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਪੁੱਟ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੀਨਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਇਨਪੁੱਟ ਮੀਨਸ ਐਸਟ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਲੱਖ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 6% ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 18,000 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 18,000 ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ 3,36,000 ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪਰਚੇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਰ ਆਫਿਸ ਜੈਨ 8 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਾਮ ਡੈਬਿਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਾਮ ਡੈਬਿਟ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਪੁੱਟ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਇਨਪੁੱਟ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਾਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਰ ਆਫਿਸ ਐਂਟਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਜੀ 50,000 ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ 6% ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ 6% ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 3,000 ਔਰ ਇਨਪੁੱਟ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 3,000 ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੋਟਲ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਪੇ ਰੁਪੀਜ਼ 56,000 ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ
एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 दी सब तो पहला असी स्टेटमेंट पढ़ांगे। एंट्री नंबर 4 दे विच स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट लिखी हुई है असी पढ़न दी कोशिश करदे हां। एंट्री नंबर 4 दे विच असी स्टेटमेंट लिखी है, की स्टेटमेंट लिखी है जी, पेड लीगल फीस। की पे कीता है स्टूडेंट्स? लीगल फीस, लीगल फीस पे कीती है असी 2018। और नेक्स्ट डेट साडे कोल की है जी? जैन 12। असी लिखांगे लीगल फी अकाउंट डेबिट इनपुट सीजी एसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हियर हाउ मच अमाउंट इज पेड, दैट इज 10,000। असी इथे लिखांगे 10,000 और इन्हें 6% CGST कितना लगेगा? 600। SGST कितना लगेगा जी? 600। असी टोटल की लवांगे? टू कैश कितना आ जाएगा जी? इनका टोटल लगावांगे तो बन जाएगा 11,200। और नरेशन च लिखांगे पेड लीगल फीस। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, नरेशन लिखना नहीं भुलना और एंट्री नू क्लोज करना भी नहीं भुलना। जे तुसी नरेशन नहीं लिखोगे, एंट्री क्लोज नहीं करोगे तो नंबर कट हो जाएंगे। नेक्स्ट पेड रेंट बाई चेक, तो 24 नू लिखांगे रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हियर स्टूडेंट्स असी रेंट कितना पे कर रहे हैं? 5,000 और इन उपर 6% CGST लगेगा तो कितना बनेगा जी? 300 रुपया। SGST कितना बनेगा जी? 300 रुपया। टोटल असी कितना पे कर रहे हैं कैश जी? 5,600। रेश लिखना नहीं भुलना, पेड रेंट बाई कितने रही कर रहे हैं? चेक रही कर रहे हैं। असी स्टूडेंट चेक रही करांगे तब टू कैश नहीं लिखांगे, की लिखा जाएगा? टू बैंक अकाउंट। हियर विल राइट पेड रेंट बाई चेक। असी सारे जानते हैं कि जो चेक रही पेमेंट करांगे तो की लिखांगे? टू बैंक। हुण लास्ट साढ़े को आ गया जनवरी 31st विच पेमेंट मेड बाई बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। तो स्टूडेंट्स हुण असी की करांगे? इनपुट ते आउटपुट नू सैट ऑफ करांगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंट्री दे विच सारा तो पहला असी इह काउंट करांगे कि साडे कोल इनपुट GST किन्ना है ते आउटपुट किन्ना है। असी लिखांगे इनपुट CGST इनपुट SGST। याद रखना ये हमेशा ही सेम निकलनगे, जिन्ना असी पे किया सी उन्ना ही साढ़े कोल आउटपुट आएगा और ये हमेशा ही बराबर निकलनगे। तो स्टूडेंट्स सब तो पहला देखना है कि फर्स्ट एंट्री विच इनपुट CGST किन्ना है? 12,000 और सेम अमाउंट इनपुट SGST किन्ना है? 12,000। तो असी इनपुट CGST ते लिख देंगे 12,000। मैं तुहानू पहले भी दस चुकिया कि अमाउंट असी सेम आनी है CGST दी भी SGST दी भी। और एंट्री नंबर सैकेंड ते आउटपुट, आउटपुट CGST आउटपुट SGST बिल्कुल सेम अमाउंट ने। आउटपुट मीनस असी इन्ना टैक्स कलैक्ट किया, इनपुट मीनस असी इन्ना टैक्स पे करके आए। आउटपुट कितना स्टूडेंट्स? 18,000। असी इतने लिख देंगे 18,000। थर्ड एंट्री दे असी कंप्यूटर परचेज किया और कंप्यूटर दे इनपुट कितना पे किया? फिर मैं दस रहा इनपुट मीनस जिन्ना टैक्स पे किया तो असी कितना पे किया? 3,000। तो वो विल राइट इनपुट CGST 3,000 और 3,000 भी राइट करांगे इनपुट SGST। एंट्री नंबर 4 ते असी लीगल फीस पे कीती और लीगल फीस ते असी GST कितना पे किया? मैं फिर दस देना चाहना
कि जिन्ना पे करांगे दैट इज इनपुट और जिन्ना सी जीएसटी कलेक्ट करांगे दैट विल बी आउटपुट। हियर लीगल फीस पे और कितना इनपुट है जी 600 असी इनपुट ते फिर लिख दांगे 600 नीचे भी 600। नेक्स्ट एंट्री ते की पे कीता है जी रेंट, रेंट ते इनपुट कितना पे कर रहे हैं 300 इसे लिखांगे फिर 300। तो स्टूडेंट्स असी की करांगे इन्हां सारयां दा टोटल लगावांगे 12000 3000 600 और 300 कितना बनेगा 12 3 15 और 900 कितना बन गया 15900 15900 ही इनपुट सीजीएसटी बनेगा और 15900 ही इनपुट एसजीएसटी बनेगा। हुण असी जिन्ना टैक्स कलेक्ट कीता वो अमाउंट कितनी है 18000। असी आउटपुट दे विचों इनपुट नू माइनस करांगे वो कितनी अमाउंट है 15900 और बाकी कितनी अमाउंट रह जाएगी जदों असी 18000 विचों 15900 माइनस करांगे तो स्टूडेंट्स बाकी रह जाएगा 2100। हुण असी लास्ट बट नॉट लीस्ट एंट्री दे विच सेट ऑफ दी एंट्री करनी है। स्टूडेंट्स इनू की करने आ सेट ऑफ करन लई सब तो पहला असी जिन्ना जीएसटी कलेक्ट कीता है ओनू लिखांगे की लिखांगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स तुहानू पहले भी दस्या जा चुके है कि सी सेंटर दा हिस्सा पहला लेना है और स्टेट दा बाद विच। द नेक्स्ट वन आउटपुट की लिखांगे इथे एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट। इनपुट केड़ी अमाउंट है जिन्नी असी टैक्स पे कीता है वो अमाउंट है टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। हुण साडे कोल आउटपुट किन्नी है स्टूडेंट्स 18000 और आउटपुट एसजीएसटी किन्नी है जी 18000। टू इनपुट सीजीएसटी टोटल असी किन्ना लगाया सी 15900 ते टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट किन्ना लगाया सी 15900। तो बाकी जिन्नी अमाउंट बैलेंस रह गई उन्हों लिख दांगे टू बैंक अकाउंट। हुण टू बैंक अकाउंट दो बार नहीं लिखना असी की करांगे 2100 2100 दोनों का टोटल कर दांगे कितना बन जाएगा 4200। तो टू बैंक विच लिख दांगे 4200 तो लिखांगे बैलेंस ऑफ जीएसटी डिपॉजिटेड इनटू गवर्नमेंट अकाउंट और एंट्री नू क्लोज करना नहीं भूलना स्टूडेंट्स, एंट्री नू क्लोज जरूर करना है। तो लास्ट एंट्री की है दिस एंट्री इज कॉल्ड सेट ऑफ एंट्री। सेट ऑफ मीन्स जिन्ना असी टैक्स कलेक्ट किया और जिन्ना टैक्स असी पे करके आए हाँ दोनों के डिफरेंस के विचों जिन्ना असी ज़्यादा कलैक्ट किया है उसनों असी गवर्नमेंट के अकाउंट में टू बैंक अकाउंट लिख के डिपोजिट करा देंगे। आई एम होपफुल कि सारे स्टूडेंट्स को यह लैक्चर समझ आया होना है। नैक्सट लैक्चर के आई जी एस टी बारे डिस्कस करा। हैव ए नाइस डे।